कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है जो कि मैं फिर से बोलूँगा भाई, 5 रेटिंग मिली है इसको, 5 रेटिंग वाली गाड़ी, वो भी आपको इतने कम बजट में मिल रही है आपको स्टार्टिंग इसकी। सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक एंड न्यू वीडियो। हमारे सामने है टाटा की पंच, मोस्ट अवेटेड हैचबैक गाड़ी, जो इस समय की बहुत पॉपुलर गाड़ी है वो है टाटा पंच। बिकॉज ऑफ हाल ही में इसको 5 रेटिंग स्टार मिले हैं और एडल्ट के 4.5 रेटिंग स्टार मिले हैं, इसलिए काफ़ी इसमें डिमांडिंग कार है। एंड अभी काफ़ी ज़्यादा इसका क्रेज़ चल रहा है बिकॉज ऑफ एक स्मॉल बजट में टाटा ने जो ये कार निकाली ना, स्मॉल बजट में SUV टाइप की निकाली है, अच्छी गाड़ी है। बात करते हैं गाड़ी की, तो गाड़ी डुअल टोन में इस समय खड़ी हुई है सामने, एंड डुअल टोन में है, वाइट एंड ब्लैक में आती है, ऊपर सनरूफ नहीं आता है इसमें। एंड लाइटिंग देखते हैं, तो लाइटिंग आप जैसे कि हैरियर की आ रही है एंड सफारी की आ रही है, तो ऐसे ही मिलती हुई लाइटिंग इसमें दी गई है, क्योंकि SUV है तो SUV के हिसाब से लाइटिंग दी गई है। आपको यहाँ पर डे टाइम रनिंग लाइट मिलती है, DRL लाइट्स मिलती है, यहाँ पर एक लाइट से एक हैलोजन है, एंड यहाँ पर ये गैप दिया गया जो कि पीछे से यहाँ से विंड निकलने में काम आता है। एंड नीचे यहाँ पर फॉग लैम्प दिए गए हैं, और यहाँ पर एक हॉर्न की अलग से हॉर्न के लिए जगह दी गई, बट वरना हॉर्न काफ़ी लोग यहाँ पर नीचे लगवाते हैं, बट इसमें यहाँ से हॉर्न के लिए दिया गया है अलग से। बात करते हैं यहाँ पर टायर की, 195/60 R116 का दिया गया हुआ है, एंड इसमें एलॉयल दिए गए हैं टाटा की ब्रांडिंग के साथ, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। यहाँ पर गैपिंग भी बहुत है, तो मतलब आप अच्छी खासी ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, ग्राउंड क्लीयरेंस भी बहुत ज़्यादा है। लुक एट दैट, ग्राउंड क्लीयरेंस का 187 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, एक SUV के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। एंड आप देख सकते हो काफ़ी, मेरा हाथ में ऐसा कर रहा हूँ, फिर भी अपनी जगह है, तो ये बहुत काफ़ी ज़्यादा है। एंड आपको मिरर में यहाँ पर इंडिकेटर लाइट्स मिल जाती हैं, तो आपको एंड चलते हैं पीछे, एंड बात करते हैं पीछे से, तो पीछे से भाई ये लुक आता है इसका टाटा पंच का। यहाँ पर लाइट दी गई, इंडिकेटर, यहाँ पर फ्यूल टैंक दिया गया, एंड यहाँ पर पीछे एक वाइपर भी दिया गया जो कि टॉप में मिलता है, कैमरा दिया गया हुआ है, और पंच की बैचिंग दी गई है। तो ये रही पीछे से पंच, टाटा पंच, तो ये वाली की मिलती है इसके साथ, टाटा पंच के साथ दो की हैं, दोनों स्मार्ट की हैं। एंड यहाँ पर आपको पावर एंड पुश का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आपको पावर स्टार्ट मिलता है गाड़ी के साथ, एंड चाबी आपको मिली है, इसको ऐसे करके, तो फिलहाल मैं इसको ओपन करने की कोशिश कर रहा था, बट इसमें बैटरी नहीं है, इसके अरे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है इसका। तो ये मीटर मिलता है आपको, यहाँ पर कंसोल मिल जाते हैं, क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम रॉकर मिलता है, जो कि सब में मिलता है, वही यहाँ पर आपको चीज़ें मिलती हैं। एंड यहाँ पर सबसे अच्छी बात, इसका डुअल टोन जो फिनिश देते हैं आपको यहाँ पर देते हैं, एक ये कलर मिलता है, एंड ये ब्लैक कलर जो मिलता है, एंड ब्लू हल्का सा कलर मिलता है, ब्लू मिलता है, ब्लू ग्रीन करके, एंड वही कलर यहाँ पर भी मिलता है, एंड अच्छा खासा यहाँ पर स्पेस मिलता है, बट इसमें आर्म रेस्ट नहीं मिलता है, जो कि हम आप यहाँ पर आर्म रेस्ट यूज़ करते हैं, इसमें नहीं है। एंड यहाँ पर ऑटो AC क्लाइमेट्स वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ पर AC का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर। एंड यहाँ पर आपको नीचे साइड में चार्जिंग वाट मिलते हैं, 12 वाट का यहाँ पर आपको चार्जर मिल जाता है, यहाँ पर टाटा केबल का भी ऑप्शन मिल जाता है, एंड यहाँ पर हैंड ब्रेक मिलता है, चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पर भी मिलता है, जो कि बिल्कुल आपके हैंड ब्रेक के पास है, तो काफ़ी अच्छा दिया गया है। एंड ऊपर लाइट्स मिल जाती हैं, ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पर मिल जाता है, इसमें कूलिंग का ऑप्शन भी है यहाँ पर, तो ये ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स है, काफ़ी जगह है इसमें, तो काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं आपको यहाँ पर, बोतल रखने के लिए जगह मिल जाती है आपको, और सारी सारी आपको पावर विंडो मिल जाती है, ये टॉप वेरियंट्स है इसमें, तो इसमें पावर विंडो मिल जाती है, ट्रस वगैरह यहाँ पर ये मिल जाते हैं, साउंड क्वालिटी भी, एक चार ट्विटर मिलते हैं, एक यहाँ पर मिलता है, एक यहाँ पर मिलता है, बाकी दो इधर मिलते हैं, तो मतलब चार हो गए। एंड पीछे साउंड्स मिलते हैं, पीछे भी लेग रूम काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर जगह दी गई है, तो चलते हैं पीछे, यहाँ पर लाइट भी दी गई है, तो इतना सब इसमें दिया जाता है। ऑब्वियसली टाटा की ब्रांडिंग अच्छी है, टाटा सब कुछ अभी अच्छा कर रहा है, सबसे बड़ी बात है जो कि मैं फिर से बोलूँगा भाई, 5 रेटिंग मिली है इसको, 5 रेटिंग वाली गाड़ी, वो भी आपको इतने कम बजट में मिल रही है आपको, स्टार्टिंग इसकी 5 लाख से हो जाती है, एंड ये पहुँचते 9 लाख पे टॉप मॉडल ख़त्म होता है, तो ये एक शोरूम प्राइस है, तो काफ़ी कुछ अच्छा है इसमें। तो आते हैं हम पीछे, अरे भाई पीछे देख रहे हो आप कितना स्पेस है यहाँ पर, कितना स्पेस है, तो ये स्पेस भी काफ़ी मायने रखता है टाटा पंच में, इतनी हैचबैक में आपको इतना स्पेस मिल रहा है, एंड कंफर्ट है, 5 सीटर कार है, 5 लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं, 2 आगे 3 पीछे, और बैठने को 4 भी बैठ सकते हैं, क्यों भैया। तो बात करते हैं इस इंजन की, इंजन में इसमें 1199 का इंजन दिया है, 3 सिलेंडर
कार है, ये 3 सिलेंडर कार है एंड इसमें मैक्स पावर 84.48 bhp जो कि 6000 rpm पे प्रोड्यूस करती है और मैक्स टॉर्क 113 nm 3300 rpm पर प्रोड्यूस करती है। 5 सीटर कार है, ऑटोमेटिक भी इसमें आता है, इसमें ये तो मैनुअल था सामने वाला। और बूट स्पेस जो लीटर है इसका 366 लीटर है, जो कि अभी बैटरी डाउन थी तो इसलिए बूट स्पेस खुला नहीं इसका। एंड फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो 37 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी है इसकी और बाकी सब तो जो है बस नई सोचने में है। तो ये थी टाटा की पंच, अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो, थोड़ा सा ऑकवर्ड है क्योंकि अभी फेस्टिवल भी आ रहे हैं तो काफ़ी लोग बुक कर रहे हैं, देख रहे हैं आप भीड़ कितनी सारी है, तो थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, बट अभी ये कार आई तो इसका रिव्यू अभी चाहिए था तो अभी बनाना था, इसलिए जैसा ही बना। तो ये थी टाटा की पंच, अगर आपको फर्स्ट इंप्रेशन था ये टाटा का, अगर टाटा पंच का अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और ये वीडियो कहीं भी थोड़ी सा आपको फायदा, तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।